नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, लखनऊ में जो नया मॉल बना है उसको लेकर के विवाद हर दिन एक नया रूप ले रहा है, एक नई शेप में आता जा रहा है। और आज यानी कि शनिवार को लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कुछ हिंदू संगठन वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि उनको पुलिस ने खदेड़ दिया, लेकिन वो लोग वहाँ क्यों पहुँचे? क्योंकि दो दिन पहले ही वहाँ पे नमाज पढ़े जाने का एक वीडियो वायरल हुआ। उसी के बाद करनी सेना और राष्ट्रीय हिंदू संरक्षक दल के सदस्य चालीसा हनुमान चालीसा के लिए वहाँ पहुँचे। उनके हाथों में भगवा झंडे भी थे और वो जय श्री राम जय हनुमान के नारे भी लगाए जा रहे थे। पुलिस ने इनको बाहर ही रोक लिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जहां मॉल है, मॉल प्रशासन ने एक जब ये पता चला कि वहां नमाज वाला वीडियो वायरल हुआ है तो एक वहां नोटिस लगाया गया कि इस मॉल में कोई भी धार्मिक एक्टिविटी नहीं होगी, यहां पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, मसलन यहां पे कोई धार्मिक कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। इस वजह से पुलिस ने उन लोगों को मॉल में जाने से रोका, लेकिन फिर उन्होंने बाहर ही बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्हें पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं हटे तो पुलिस और उन हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों में झड़प हो गई। पुलिस ने मॉल के बाहर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको दौड़ा दौड़ा करके वहाँ से भगाने की कोशिश करी, और इसी बीच करीब दो दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया और साथ ही मॉल की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। राष्ट्रीय हिंदू संरक्षक दल के अध्यक्ष आदित्य मिश्रा, मैं आपको बता दूं कि दोपहर 1 बजे करीब जो है 15-20 लोगों के साथ लुलु मॉल में पहुंचते हैं। उनका ये कहना था कि जब मॉल के अंदर नमाज हो रही है तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है। अच्छा, एक और बात है, इसी मॉल का उद्घाटन सीएम योगी ने 11 जुलाई को किया था और ये मॉल अपने आप में एक अलग किस्म का मॉल है। यहाँ पे विदेशी सामान भी मिलता है, भारतीय सामान भी मिलता है, हर तरह का ब्रांड वहाँ मौजूद है और करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग हर दिन वहाँ शॉपिंग के लिए आते हैं। और जो वीडियो वायरल हुआ था वो गए बुधवार को नमाज पढ़ते हुए लोगों का वीडियो है, और वीडियो वायरल होने के बाद ही हिंदू महासभा और हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी किरण मॉल ने मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया। मॉल के मैनेजर समीर वर्मा ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष शिशि के घर जाकर के माफ़ी भी मांगी और किरण को फिर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। हालांकि ये मामला भी थमा नहीं है, हिंदू संगठनों में विरोध लगातार जारी है। और इसी बीच लुलु मॉल के मैनेजर समीर वर्मा ने मॉल में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ भी FIR करवाई है और एक नोटिस भी, जैसा कि मैंने बताया, लुलु मॉल में चस्पा किया गया है कि मॉल के अंदर किसी भी तरीके की, किसी भी धर्म की धार्मिक प्रार्थना पे रोक लगाई जाती है। तो दोस्तों, लुलु मॉल जो है केवल लखनऊ में नहीं है, देश के और भी कई शहरों में है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में और इसके जो मालिक हैं वो दुबई बेस्ड हैं, और बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से इसका विरोध हो रहा है। और नमाज जो वीडियो वायरल हुआ उससे लोगों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित हुआ कि वहाँ पे मॉल में नमाज अदा की जा रही है। दोस्तों, आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देंगे। फिलहाल इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी और कंटेंट के साथ, किसी और स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।